औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे साथियों, ज़ैनुलाब्दीन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जगस्वारी मीरपुर के यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद। प्यारे साथियों, माई सीक्वल के लेसन चल रहे हैं हमारे, और आज जो माई सीक्वल के अंदर हम स्ट्रिंग फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रिंग फंक्शन क्या है देखें, अभी यहाँ पर हमारे पास कुछ तीन लाइनों में ये स्ट्रिंग है, तो ये वाले स्ट्रिंग जो पहली लाइन में हैं ये सारे, और यहाँ तक हम जो है वो ये सारे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले स्ट्रिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए हम चलते हैं टेक्स्ट प्रिडिक्टर एडिटर के ऊपर, बल्कि ज़ैम को ओपन कर लेते हैं। तो ज़ैम को ओपन कर लें पहले, इसको ज़ैम को ओपन करें, इसको स्टार्ट करें। स्टार्ट करने के बाद फिर उसके बाद जो है वो हम माई वर्क बेंच को ओपन करेंगे, और वर्क बेंच के अंदर जाकर डायरेक्टली हम कोडिंग शुरू करते हैं। हमारे जो ये स्ट्रिंग फंक्शन है इनके बारे में डिस्कस करते हैं कि स्ट्रिंग फंक्शन क्या होते हैं। स्ट्रिंग फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये हमने अगर आप PHP के लेसन्स फॉलो कर रहे हैं तो उसके अंदर भी हमने PHP के लेसन के अंदर भी इसके बारे में बड़ी डिटेल में पढ़ा था स्ट्रिंग फंक्शन के बारे में। तो स्ट्रिंग फंक्शन जो है ये अभी हम इसके अंदर MySQL के अंदर भी पढ़ेंगे, तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ आएंगी। अभी वर्क बेंच ओपन हो जाए तो फिर इसके ऊपर हम शुरू करते हैं स्ट्रिंग फंक्शन के बारे में पढ़ना। स्ट्रिंग फंक्शन जो होते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, किसी भी प्रोग्राम में बहुत ज़रूरी होते हैं, और ये कॉमन सी चीज़ होती है। आम ज़िंदगी में हम इसको मैथमेटिक में और इस तरह की चीज़ों में हम यूज़ करते रहते हैं, कंप्यूटर के प्रोग्रामों में भी इसको हम यूज़ करते रहते हैं, और हम अपने हाथों से जब कोई चीज़ लिखते हैं तो वहाँ पर भी हम इसको यूज़ करते रहते हैं। तो जब पहले मैं स्टूडेंट टेबल का डाटा देख लूँ हमारे पास, ओहो अच्छा, इसके अंदर हम कमांड लिखेंगे सेलेक्ट, और हम आईडी कॉलम, और आईडी कॉलम के अंदर फिर उसके बाद हम लगाएंगे UPPER अपर, और नेम जो है नेम इस टेबल स्टूडेंट टेबल के अंदर नेम जो है उसके जो करेक्टर हैं उनको हम अपर करना चाहते हैं, और उसको एज कर देंगे कि उसका नेम आ जाए इस तरह, नेम कामा और परसेंटेज PNTAG% और उसके बाद हमारे पास आ जाए जी कहाँ से जी FROM फ्राम STUDENT स्टूडेंट टेबल से हम लेने, ये डाटा हमने स्टूडेंट टेबल से लेना है सेमीकोलन। अभी हमने स्टूडेंट टेबल के नेम जो है वो अपर केस यानी कैपिटल करने हैं सारे, तो नेम और परसेंटेज तीन हमने कॉलम लिए थे, आईडी नेम परसेंटेज, तो नेम जो है जितने भी हैं उसके अंदर वो अपर केस में कन्वर्ट हो गए। और अगर हम यहाँ पे अपर केस की बजाय अपर किया हमने, और अगर हम यू केस लिखें, अगर UCASE केस, तो फिर क्या फंक्शन करेगा ये? यू केस में भी ये अपर केस का फंक्शन प्ले करेगा, और ये दोनों एक ही तरह के फंक्शन होते हैं, अपर के ऊपर या यू केस के ऊपर ये करता है। अगर LOWER लोअर हम लिखें तो लोअर में क्या करता है कि ये सारे कैपिटल की बजाय स्मॉल लेटर में कर देता है, और अगर हम इसके अंदर एल केस लिखें, एल केस, इसमें भी ये सारे स्मॉल लेटर में ही हमें शो करेगा, लोअर केस जिसको कहते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे नेम यहाँ पे ले आते हैं NAME नेम, और नेम के बाद हम लिखते हैं जी CHARCTER करेक्टर लेंथ अंडरस्कोर LEGTH लेंथ,
करेक्टर लेंथ, और करेक्टर लेंथ के बाद नेम, नेम एज, और ये तो ठीक रहेगा नेम एज, और यहाँ पे परसेंटेज के बाद जो हम करेक्टर्स कर देंगे, सी एच ए आर ए सी टी ए आर एस करेक्टर्स। करेक्टर लेंथ कितनी है जी, ये अभी हमें नेम के जो करेक्टर हैं उनकी लेंथ बताएगा। अच्छा मिस्टेक है आईडी, अच्छा यहाँ पे हमने इसको साथ जोड़ा हुआ है, यहाँ पे इस तरह करेंगे। अभी सी एच ए आर सी टी ई आर करेक्टर अंडरस्कोर एल ई एन जी टी एच लेंथ। अच्छा उसके बाद नेम है, ठीक है जी, और यहाँ पे कॉमा डालना था हमने, और फिर एज नेम और करेक्टर, ठीक है जी। जब फिर इसमें कोई एरर आ रहा है इसमें लिस्ट, करेक्टर लेंथ है, इसकी स्पेलिंग में मिस्टेक थी। तो अच्छा ये भी करेक्टर सिर्फ हमने नेम एज डाल दिया, लेंथ तो आगे हमने उसका नाम नहीं डाला, तो ये करेक्टर की लेंथ इसने हमें बता दी, ये लेंथ है हर करेक्टर की कितनी लेंथ होती है। जैसे लेंथ का मतलब ये होता है कि एक करेक्टर के अंदर कितने वर्ड आ रहे हैं, वो सारे इसने दिखा दिए। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट करेक्टर लेंथ नेम एज करेक्टर, अगर हम इसको सी एच ए आर करें, करेक्टर पूरा ना लिखें, तब भी ये हमारे हमें वही चीज़ एग्जीक्यूट करके देगा। उसके बाद सिर्फ अगर हम लेंथ लिखें तो तब क्या करेगा ये, सिर्फ लेंथ लिखें तो तब भी हमें वही चीज़ें दिखाएगा ये तकरीबन एक जैसे हैं। आगे उसके बाद हमारे पास आता है जी कॉनकैटिनेट, CONCATCAT कॉनकैट में क्या होता है जी, कॉनकैट में हमने कहा जी कि यहाँ पे कॉमा PERCENTAGE परसेंटेज, कॉनकैट में हमने बीच में कॉमा डाल के परसेंटेज नेम कर दिया और इसको एग्जीक्यूट किया, तो इन्होंने वो जो परसेंटेज थी इसके साथ शो कर दी। अभी हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे इसके बीच में स्पेस आ जाए, तो उसके लिए हम इन्वर्टेड कोटेशन और स्पेस इन्वर्टेड कोटेशन डालकर इसको एग्जीक्यूट करेंगे, तो ये इसके बीच में, अच्छा मिस्टेक ये हो गई है, और इसके बीच में हम कॉनकैटिनेशन दे देते हैं, ऐसे ये कॉनकैटिनेशन देते हैं, और अभी इसको जाके हम जो है वो रिफ्रेश करते हैं, तो ये भी आसफ डॉट यानी कॉनकैटिनेशन, और ये आ गया इसके बीच में। अगर हम यहाँ पे डैश अंडरस्कोर दे दें तो ये भी आ सकता है हमारे पास एग्जीक्यूट, ये डैश भी आ गई, तो ये इस तरह आप कॉनकैटिनेशन को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास फंक्शन है कि हम अगर यहाँ पर नीचे कुछ फंक्शन है उनको हम यूज़ करते हैं, जैसे SELECT सेलेक्ट, CONCAT
380 कॉन कॉर्डिनेशन मटर कोटेशन ZUAIIT जैन अलाउद्दीन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कामा अनवर्टेड कामा YouTube मटर कॉटोना, यानी मल्टीपल करेक्टर भी हम दे सकते हैं इसके अंदर। CHANNEL चैनल नोटिफिकेशन काम और नोटेड कोटेशन MIRPUR मेर पर, ठीक है। तो ब्रैकेट बंद एज एन ए एम ए नेम। अच्छा, ये हमने कौन कॉर्डिनेशन किया है यहाँ पर। अभी देखें यहाँ पे जैनुल अब्दीन, अच्छा ये हमने जैन लिखना था तो जैट की जगह ए टल गया, और जैनुल अब्दीन यूट्यूब चैनल मिरपर ये सारे एक लाइन में हमारे पास आ गए। और इसी को हम अगर कॉन कैट अंडरस्कोर WS यूज़ करें तो ठीक है। इसमें ये क्या करता है, YouTube को शिफ्ट कर देता है पहले और इसको बाद में ले जाता है, बल्कि हर वर्ड से पहले जो है वो जैनुल अब्दीन आ जाएगा। जो पहला हमारा करेक्टर था वो YouTube से पहले भी आ गया, चैनल से भी पहले आ गया, ठीक है। इसमें ये इस तरह करेगा WS में। और अगर हम WS के अंदर यहाँ पे बजाय ये लिखने के अगर हम इन्वर्टेड कोटेशन के अंदर डैश डाल दें या तो इसमें इसने क्या किया, उस वर्ड की बजाय डैश डाल दिया। तो ये जो यहाँ पे वर्ड होगा वो सारे हर एक वर्ड के सामने जो करेक्टर वर्ड होगा यानी जो हर एक वर्ड के सामने आएगा, तो अभी हमने इसकी जगह डैश डाल दिया तो ये सारे करेक्टर के सामने डैश आ गया। उसके बाद इसके अंदर जो फंक्शन आता है वो लेफ्ट एल ट्रिम और राइट ट्रिम, ये फंक्शन हमने PHP के अंदर भी पढ़ा था LTRM, ठीक है, लेफ्ट ट्रिम और राइट ट्रिम। अगर हम यहाँ पे लिख दें ZUAIIT और इसके शुरू में भी स्पेस डाल दें और बाद में भी स्पेस डाल दें, अच्छी पे अगर हम लेफ्ट ट्रिम करके इसको एग्जीक्यूट करें तो इसके अंदर देखें ये स्पेसिंग आ रही है मेरे पास। तो अभी देखें ये इसने लेफ्ट की स्पेस ख़त्म कर दी, राइट साइड की स्पेस ऑलरेडी है। इसको अगर हम राइट ट्रिम कर दें यहाँ पर और ट्रिम कर दें तो तब क्या करेगा ये, अभी इसने राइट साइड की स्पेस ख़त्म कर दी और लेफ्ट साइड की स्पेस है। और अगर सिंपली ट्रिम कर दें तो तब क्या करेगा, दोनों साइडों पर स्पेस ख़त्म कर देगा इसको, ठीक हो गया। इसी तरह इसके अंदर हमारे पास फंक्शन है पोजीशन POSITION पोजीशन क्या है, पोजीशन में हमने कहा जी कि हमें ये फाइंड करके दे पोजीशन, ए पोजीशन फाइंड करे और एक पोजीशन करे फाइंड और साथ हमने लगाया जी इन कहाँ से फाइंड करे और ये फाइंड करे जी जेट IIT से फाइंड करे, यहाँ से ये पोजीशन फाइंड करे एक ही क्या पोजीशन है, एक ही पोजीशन ये फाइंड करे और उसके बाद फिर आगे अच्छा इसको हम जब करेंगे तो ये हमें एक ही पोजीशन बता रहा है टू, यहाँ पे टू नंबर पे है उसने एक पोजीशन फाइंड कर ली, ये पोजीशन फंक्शन था हमारे पास, इसने एक पोजीशन फाइंड कर ली टू पे। और उसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है INS INSTR INSTR
INSTR का पोजीशन INSTR और इसके अंदर हमने सिंपली जो है वो ये टेक्स्ट रखना है और जब इसको मैग्नीट्यूड करेंगे इसमें कोई मिस्टेक दे रहा है मिस्टेक अभी INSTR इसमें हमने एक और चीज़ भी दी थी कॉमा जेड आई एन कॉमा दो चीज़ें इसके अंदर हमने जैन को दोबारा हमने ऐड कर दिया दोबारा जैन को ऐड कर दिया तो अभी हम इसको रिपोर्ट करेंगे तो ये हमें बताएगा वन इसके अंदर मतलब कि जैन एक दफ़ा यहाँ पे है और एक जगह यहाँ पे ये जैन की पोजिशन को सेट करेगा कि जैन कहाँ पे है वन लिखा एक दफ़ा जैन लिखे अगर हम लोकेशन पोजीशन को यूज करें यहाँ पर तो उसके लिए हम यहाँ पे वापस आएंगे हेलो लोकेट क्या लोकेट करना है लोकेट करना है इसके अंदर आपने UL को लोकेट करना है और LOCATE लोकेट UL इसको इन जनरल आपने लोकेट करना है UL ठीक है तो सिलेक्ट लोकेट UL इन ट्रांसपोर्टेशन जैन अभी ने एक चीज दोहराई हेलो एक स्पेलिंग बस ठीक है मिस्टेक इसमें है जिसकी वजह से ये एरर दे रहा है LOCATE inverted quotation अच्छा इनके अंदर हमने कर दिया जी इन और जर्नल अपनी नहीं थी और चीज़ें तो ठीक हैं बाकी मेरे ख्याल से मिस्टेक तो नहीं होगी तो देखते हैं ये इस तरह इसमें सर्चिंग होनी चाहिए कि कैसे जो है वो इसके अंदर ये आपको लोकेट करके देगा कि जी यू एल किस जगह पे है लोकेशन इसकी बताएगा जैसे पीछे हमने सर्च किया था तो ये यू एल अगर हमने नहीं करते अच्छा लोकेट यहाँ पे ये होता है कि लोकेट भी पोजीशन की तरह ही काम करता है जैसे यू एल हमने ढूंढना है इसके अंदर से तो हमें लोकेट किया यू एल और दूसरा पैरामीटर हमारा ये है तो उसने हमें बता दिया कि यू एल जो छठे नंबर पर है यहाँ पे छठे नंबर पर है तो अगर हम इसका तीसरा पैरामीटर भी यूज़ करें जैसे हमें जी के यहाँ पे नाम है ऑप्शनल पैरामीटर ही आप यूज़ कर सकते हैं कि आपने कहा जी के हमें बता दे तीन हमने दिया तो सच किया हमारे पास
को तीन से शुरू करें, एक दो तीन से शुरू करें, तो सर्च करें लोकेट को यूएल को, तो उसने बताया कि सिक्स नंबर कट होगा। तो ये हमारा आज का लेसन था, स्ट्रिंग फंक्शंस। मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझाई होगी, तो इसको जो बाकी रहते हैं इंशाल्लाह उसे स्ट्रिंग फंक्शन को हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में डिस्कस करेंगे। आज के ट्यूटोरियल में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपका अमीन असर हो। अल्लाह हाफिज़।